सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का सिलसिला 6 दिन तक चलेगा। कोर्ट में बढ़ते मुकदमों का बोझ कम करने के लिए तमाम छोटे मोटे मुकदमों को आपसी सुलह समझौते से निपटाने के लिए ये पहल की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लोगों से अपील की है कि इस विशेष सुविधा का फायदा उठाएं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े और महत्वपूर्ण मुकदमों के कारण कई छोटे छोटे मुकदमे सालों तक लटके रहते हैं। अब इन मामलों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत शुरू की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसे लेकर काफी उत्साहित है। आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लंबित हैं कोर्ट्स में, उनको जरूर लोक अदालत पे आना चाहिए, क्योंकि उनको शीघ्र न्याय मिल सकता है और उनके मन जैसा न्याय मिल सकता है। बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लोक अदालत इज दैट इट इज कंसेंसुअल। हम इसलिए बैठते हैं यहाँ पर कि हम दोनों पक्षों को एक साथ लाने की जरूरत कोशिश करते हैं, ताकि वो इन मामलों को निपटा सकें। छोटे छोटे मामले होते हैं, पर हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मामला होता है। पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में कई मामले निपटाए गए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि बहुत सारे मुकदमे सामान्य बातचीत से ही निपट जाते हैं। हस्बैंड ने डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल किया था फैमिली कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में, और उनकी वाइफ जो हैं उन्होंने मेंटेनेंस का प्रोसीडिंग फाइल किया था और बच्चों की कस्टडी के लिए फाइल किया था। अब प्री लोक अदालत सिटिंग में दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने तय किया कि एक साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 7 बेंचेस पूरे सप्ताह यानी 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालतें चलाने जा रही है। जजों के साथ लोक अदालत पैनल के हिस्से के रूप में 12 सदस्यों की उपस्थिति ने भी पूरे समाज में सही संदेश भेजा है। चीफ जस्टिस ने उम्मीद जताई है कि इस लोक अदालत के साथ अब भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में इसका स्वरूप संस्थागत भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।